रसल वाइपर है यार ये तो। हाँ सर यहाँ पे तो और बच्चा दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरपंच मिस्टर फास्टन में। आज की रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम पीपल सोलंकी से मिली है और यहाँ पे आकर के हमने मौके पर देखा तो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी और यहाँ पे कुछ सांप देखा गया था और कुछ नेवले वगैरह भी पीछे पड़े हुए थे उस सांप के। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। और सांपों का निकलना बहुत ही ज़्यादा हो चुका है क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश के अंदर इनके घर बिल वगैरह दरार वगैरह बंद हो जाती है तो ये घरों के आसपास घुसना गाँव की तरफ चलना इसे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सांप देखा गया है तो हम देखते हैं कौन सा और कैसा सांप है फिर आपको सांप को पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों सांपों को पकड़ना बहुत ही खतरनाक काम होता है और वीडियो देखकर कभी भी आप इन सांपों को पकड़ने की कोशिश ना करें आप लोगों के लिए घातक को जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों ये भी हमारे प्रकृति के मित्र हमेशा इन्हें बचाने का प्रयास करें और हमेशा दूरी बना के रखें सांपों से। और यहाँ पर हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सांप यहाँ पर बैठा है वाकई में जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सांप की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों देखते हैं बताते हैं कौन सा और किस तरीके का सांप है और यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। बने रहे हैं वीडियो में दोस्तों। लकड़ी पीछे खींचो रसल वाइपर है यार ये तो। लो सर एक बैग लेके आओ थोड़ा कट्टा अच्छा सही साट। तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरफराज खान में। और आप देख सकते हैं इस सांप को हम आए थे ग्राम पिपलिया सोलंकी और ये सांप एक एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसल वाइपर जो कि बहुत ही खतरनाक सांप होता है। और इस सांप को हम पहले व्यवस्थित तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। बैग लाओ एक बैग छोटा
डोरी लाओ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया है और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। ये सांप विषैले प्रजातियों में सबसे खतरनाक सांप होता है रसल स्वाइपर। और बने रहे वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही लाइव डोरी।